हेलो एवरीवन, कमा गणिसा, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज है संडे, संडे यानी फंडे। आज हम जा रहे हैं खिलते, वो पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह। चलिए आप भी, आपको भी लेके चलते हैं। ये देखिए, ये है छोटा सा रिसोर्ट, बोल दीजिए होम स्टे, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत अच्छा है व्यू, देखिए स्विमिंग पूल भी है। बहुत अच्छा लग तो अच्छा रहा है। जो अंदर से आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। ये देखिए बहुत अच्छी है ये प्रॉपर्टी, छोटा सा है बट अच्छा है। और आज मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है, ऐसा मेरी ऐसी आ रही होगी आवाज, सुस्त सुस्त तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही होगी आज मेरी। देखिए व्यू कितना अच्छा है यहाँ से, देखिए पूरी ग्रीनरी के बीच में स्विमिंग पूल है, सिटिंग एरिया दे रखा है। और इधर देखिए, वाव जस्ट वाव आप बोल सकते हो। झाड़िया है ना, हरियाली कितनी सुंदर है, व्यू देखो आप कितना अच्छा लगा। हमने आपको ये दिखाया, बहुत अच्छी जगह, इतनी धूप में भी हमको इतनी अच्छी लग रही है ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में तो क्या व्यू होता होगा। बट ये तो अप्रैल तक बुक किया है ना, अप्रैल तक बुक किया। देखिए ये एक हाउस है, उसको रिसोर्ट में कन्वर्ट किया है। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ हम पिकनिक मनाने जा रहे थे, वहीं चलते। रास्ता देखिए कितना सुंदर है, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी। ये देखिए इतनी हाइट पे है ना, ये बहुत हाइट पे है ना। देखिए अब हम डाउन जा रहे हैं, इतने ऊपर हम गए थे। तो ये देखिए वाव, जगह तो बहुत सुंदर है ना। वाव ये देखिए, ये फ्लावर है क्या? देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये व्हाइट व्हाइट फ्लावर जैसे, फ्लावर तो नहीं बोल सकते इनको, पत्तियां है ना सफेद कलर की, कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। मैंने सोचा आपको भी दिखा, ये रही और है, ये देखिए वाओ तो ब्यूटीफुल है, तो दिखने में इतनी बढ़िया लग रही है, ग्रीनरी के बीच में एकदम वाइट वाइट पत्तियां। और एक सरप्राइज इन्होंने बता दिया, अब ये फरमा रहे एक और सरप्राइज है, तो देखते हैं। फर्स्ट वाला सरप्राइज तो बहुत अच्छा था, अच्छी जगह थी वो बुक के। चलो सेकंड सरप्राइज देखते हैं। सेकंड सरप्राइज राज को राज, अच्छा सस्पेंस, पूरा सर्च करके पता रहे कि क्या क्या है इधर घूमने लायक। बहुत सारी जगह है घूमने लायक, हम लोग घूमते नहीं है, बाकी बहुत जगह, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह बनी हुई है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है। हम आपको इतना प्रॉपर्टी वो नदी के पास में देखो। यहाँ पे ये देखो, ये वर्णिका की जन्मभूमि, मेरे बहुत क्लोज वर्णिका यहीं बॉर्न हुई थी। और वो है हॉस्पिटल भी आएगा ना अभी, जहाँ पे मरु का जन्म हुआ था, और वो बिल्डिंग भी आएगी जहाँ मैं रहती थी। किस्नमा था ना उसका नाम। ये देखो सब्जी मंडी इधर लगी हुई है, क्या तेरी? बहुत सस्ती मिल रही है। हाँ ये बहुत सस्ता था, मैंगलोर तो बहुत महंगा है।
और इधर मैं रहती थी, इधर बिल्डिंग आएगी अभी मैं आपको दिखाती, वो सामने जो वो दिख रही है ना, ये ये मेरी फिंगर ही नहीं दिख रही, ये टॉप पे जो बिल्डिंग है ना ये, और अभी हॉस्पिटल आएगा जहाँ वर्णी का बॉर्न हुई थी, इधर ही है ना, स्लो करना थोड़ा सा, ये वर्णी का यहाँ पे ना, ये जो बालकनी है ना इसमें ही, तो इस रूम में ही हम बुक किया था सबसे पहले, यही हम शिफ्ट हुए थे, और अब इसके आगे है बंटवाल, बंटवाल के आगे हमारा है डेस्टिनेशन। तो मुझे आइडिया नहीं आप कहाँ लेके पधार रहे हो। हाँ सरप्राइज है हमारे लिए, मुझे आइडिया नहीं, मैं से उधर पधार रहे। चलो चलते हैं। ये देखिए अभी कोई छोटा सा है ऐसे रिसोर्ट जैसे शायद बना रखा है, ये देखिए दिखाने लेके पधार रही हूँ, ये तो मुझे ठीक ठीक लग रहा है, देखते अंदर से फिर से है। ये लॉन तो काफी मेंटेन लग रहा है, अच्छा गाय है वहाँ पे, ये देखिए वहाँ पे इतनी सारी काउ दिख रही होगी आपको, अच्छा सा ये देखिए लॉन है, वहां से ये देखिए टेंपल है। वाओ सिटिंग एरिया तो अच्छा है, अच्छा ये देखो रूम अच्छा है, है ना वुड का है ना पूरा, ये देखो सीढ़ियाँ बड़ी मस्त है, अच्छा रोप पकड़ने के लिए रोप दे रखा है, अच्छा केरला स्टाइल बना रखा है, केरला में जैसे होते हैं ना, ऑन करना अंजू लाइट, वाह इधर का व्यू देखिए आप, ये इधर बेड है, हाँ ये बेड है, और ये देखिए यहाँ से आप ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हैं, विंडो ओपन मत कर मच्छर आएंगे, उधर का गार्डन भी देख सकते हैं, अच्छा पीछे भी है लॉन, यहाँ पे ट्री है, वाह ये अच्छा लग रहा है, कैरावान भी है, ये देखो हाँ है ना, कैरावान है वो जो भी बोलो, क्या बोलते हैं रथ हिंदी में, क्या बोलते हैं रथ, नहीं दूसरा होता है रथ बोलते, क्या बैलगाड़ी, ये देखिए ये मस्त है, देखिए यहाँ से वो दिखता है एंट्रेंस की थी ना वो वाली प्लेस, ये देखिए एंट्रेंस की थी उधर से, और ये सिटिंग एरिया, ये देखिए और यहाँ पे है, ये देखिए अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप सूट के बैठ के व्यू का एंजॉय कर सकते हैं ग्रीनरी को, देखिए स्टेप, ये देखिए नीचे जाने के लिए थोड़ा रिस्की है, पकड़ के चलना पड़ता है,
ये देखो मिरर, ये टब बाथटब नहीं तो क्या है? बाथटब भी कैसे भी यूज कर सकते हैं ना। ये मस्त लगा मुझे ना मिरर, एकदम स्क्वायर स्क्वायर। ये है मेयर बरु, और ये भी अच्छा है ना इसका। हाँ, सेम सब अच्छा है, अच्छे से काफी अच्छा कर रखा है मेंटेन। और ये गार्डन भी है। गार्डन भी है, आगे भी है, बैक पीछे भी है, और काफी एंटिक चीजें है उधर भी मैंने देखा। ये देखिए मुझे वो रोप वाला ज्यादा अच्छा। हाँ, ये देखना सीढ़ियाँ ना, ऐसे इसको पकड़ के नीचे आना पड़ता है रोप को, और बहुत सुंदर बना रखी है। ये देखिए स्टेप, ये देखिए इधर ये बड़े बड़े दीपक जो साउथ में ऐसे दीपक चलते हैं। एंटिक चीजें इधर साउथ में ऐसे ऐसे। ये देखिए ये बुद्धा, वाओ स्टैचू बहुत अच्छा है। ये देखिए सिटिंग एरिया, ये राधा की सिटिंग। चलो ये झूला भी है देखो, रो बाहर चलते हैं अब। चलो ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, छोटा सा ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे आप ना केरला में आ गए हो ना। केरला में सेम ऐसे ही है रिसोर्ट ज़्यादातर सब। वो देखिए वो छोटा सा इधर शायद रेस्टोरेंट है, और उधर वापस सीढ़ियाँ दे रखी है ऊपर जाने के लिए। मैं बाहर से भी आपको दिखाती हूँ। है किचन है, अच्छा। अरे वाह, अच्छा खुद बना सकते हैं। मसाले लगे हुए हैं, मसाले पड़े हुए हैं, खुद अपना खाना बना सकते हो आप। ऑर्डर भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हो। नहीं बनाना है तो ऑर्डर दे दो, ऑर्डर पे भी ये बनाना। चलो भैया कह रहे ऊपर भी रूम है। अभी जा रहे हैं ऊपर का एक रूम देखने के लिए, पूरा फार्म हाउस है ये। और ये है बार, ये सामने बार है, और ये रूम है। Yeah.
इसको ओपन करेंगे, वॉशरूम बड़े अच्छे बना रखे। ये वॉशरूम है? हाँ वो वॉशरूम है ना, ये वो बड़े और अच्छे देखते वॉशरूम अच्छे भर लाइट कर रूम से निकलते ही इधर देखो ये लॉन है, ये ग्रीनरी है, और ये देखिए इंटीरियर बहुत अच्छा कर रखा है, और ये देखिए जंगल प्लांट। ये देखिए इधर से ये गैलरी है इतनी बड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है, फील भी बहुत अच्छा आ रहा है ना, इतना प्लीजेंट शांत नेचर के बीच। ये सेकंड फ्लोर था ना, अभी ऊपर थर्ड है। अच्छा चलो आप दर। ये देखिए बड़ी अलग स्टाइल से सीढ़ियाँ बना रखी है गोल गोल। ये देखिए हॉल है बड़ा सा। अच्छा यहाँ पे बड़ी फैमिली आके स्टे कर सकती है। ये देखिए आप इतने सारे बेड, वाओ व्यू देखिए आप इधर से, वाओ मॉर्निंग में कितना अच्छा लगता होगा। देखिए आप सामने का भी पानी है, ऊपर से तो मस्त लग रहा है, ऊपर देखना व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ नदी वाला व्यू वही मैं बता रही थी। देखिए इतना सुंदर लग रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये देख अंजू कितना अच्छा बना रखा है इधर मिरर। हाँ क्या इंटीरियर, और इधर से देखिए वाह व्यू नजारे। और ये देखिए इधर मिरर था ना, क्या है अंदर
अच्छा ये स्टोर रूम। हाँ ऑर्गेनाइज इतना बढ़िया। चलो ठीक है, स्टोर रूम भी इतना बढ़िया है। ऊपर से मैंने हॉल दिखा दिया, बहुत अच्छा बना है। अब चलो नीचे चलते हैं। मुझे बहुत कम रिसोर्ट होते जो पसंद आते, फाइव स्टार में भी मुझे हर कुछ पसंद नहीं आता, तो इतना बढ़िया है। एक बार यहाँ आके स्टे ज़रूर करेंगे। आप मैंगलोर से हो तो प्लीज़ इधर आके एक बार आप देखिए। वाव जस्ट वाव, इतना अच्छा रिसोर्ट है। इतना शानदार व्यू है और हम यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। हिल पे तो नहीं गए, इधर ही हम पिकनिक मना रहे हैं। ये सेकंड सरप्राइज था। हाँ ये सेकंड सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा, केरला का फील आया। अगर आप इसके अंदर जाते हो ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे केरला पहुँच गए, इतना सुंदर बना रखा है। और ये अंजू वरु मैगी इंजॉय कर रहे हैं और हम चाय पियेंगे, स्नैक्स आइटम। हमने ये प्लान किया था हिल के ऊपर जाके खाने पीने का, बट हिल से भी अच्छी। हाँ ये हिल से भी अच्छी जगह मिल गई। बहुत ज्यादा लोग, गर्मी बहुत लग रही है। हाँ कितनी ठंडी हवा आ रही, क्योंकि ये इधर है ना नदी, ऊपर से दिखा है दूर दूर। ये फुल हमने बुक किया है हमारे लिए। हाँ देखिए, जस्ट जोकिंग, हम देखने आए थे। ये देखिए, वास्तव में ये तो आपने देखा होगा पूरे वीडियो में, मैंने आपको दिखाया ना, ड्रीम हाउस से कम नहीं है। इतना बढ़िया बना रखा है। और अब हम चाय इंजॉय करेंगे, फिर चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं। रू कैसा लग रहा है खुले में खाना? मस्त। और चाय ठंडी तो नहीं हुई? गर्म है। जर तो बढ़िया है, जल्दी बनाई थी मैं चाय भी। और ये मैं इतनी अच्छी जगह देख के मेरा तो दिल खुश हो गया ऐसे। चलो चाय पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं घर पे। तो ये प्रॉपर्टी बताना आपको कैसी लगी, हमें तो बहुत अच्छी लगी बहुत। और इधर देखना गाय भी है, दिखाती हूँ आपको। वो देखिए, आगे चल के दिखाती हूँ, इतनी सारी गाय देखिए, एक दो तीन, ये देखिए तीन गाय, कुछ ये देखिए और भी है उधर गाय दो बांधी हुई है साइड। तो ये देखिए इतना सुंदर होम स्टे है, ये बहुत अच्छा लगा इधर आके हमको फुल्ली। ये होम स्टे है बंटवाल में, बंटवाल स्टार्ट होते हैं ना, स्टार्ट होते ही हैं, तो आप पधार सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। सनसेट होता हुआ रोड से हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम रेड है ना सन, वाह सुंदर लग रहा है पेड़ों के बीच में। बल्ब भी लगा रखा हुआ है ना। हाँ ऐसे ही लग रहा है, बल्ब से ऊपर ज़ूम करके दिखाते हैं, बल्ब भी लग रहा है देखिए नारियल के। हाँ बहुत सुंदर सा लग रहा था। क्या लगा आपको ये होम स्टे रिसोर्ट, कुछ भी बोल दो केरला स्टाइल का बताना। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।